हमारे बीच में धंधे जी भी हैं जो समाज सेवी बहुत बड़े पैमाने पे समाज का साथ देती हैं और समाज का कार्य कर। धंधे बीजी जी, आप यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, एक तो संविधान बदला जा रहा है, जो हरिजन एक्ट है हम उसके समर्थन में आए कि हरिजन एक्ट जैसा वैसी रहना चाहिए जी। और जो संविधान है हमारा पूरा होना चाहिए, और जो आरक्षण है जो आज तक नहीं मिला वो आरक्षण पूरा होना चाहिए, और जो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है या जवान लड़कों को मारा जा रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। या तो आरक्षण पूरा हो और नहीं तो कुर्सी खाली करो, या तो आरक्षण पूरा करो नहीं तो कुर्सी खाली करो, और नहीं तो धन और धरती का बंटवारा करो। क्या नाम है आपका? वीना चंद्रा। कहाँ से आई हो? मैं नोएडा से आई हूँ। क्या मांगे आपकी? मेरी यही मांगे, जो हमारे साथ इतना अत्याचार ये सब हो रहे हैं, ये सरकार ने आके जो हमारे साथ इतना अत्याचार ये सब करा रही है, इसको बंद कराया जाए, और जो हमारी मांगे उनको पूरी करी जाए। जितने भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्हें बेरोजगार बनाने के हक में लगे हैं ये, वो हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमारी सीटें हमारी दी जाए, बच्चों को पढ़ाई की जितनी सीटें हैं हमारी सब दी जाए, हमारी ये सब ये हमारी मांग है, वरना मोदी को बोलो कि यहाँ से गेट आउट हो जाए। बोलने की जरूरत नहीं। मैं केपी चौधरी समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता, समाज के एक एक भाई और बहन का आज के इस आंदोलन में अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके जलवे को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक माननीय सांसद है जनक राम जी आए हैं, हमारे बीच में एक सांसद जनक राम जी उपस्थित हुए हैं, उनसे निवेदन है।